चलती है रेल, ये न कभी थमती है न कभी थकती है, हर समय देश सेवा में तत्पर रहती है। महामारी के समय भी इसने देश के एकजुट प्रयासों को दी मजबूती। मेडिकल सामान और खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित की और दूर फंसे लोगों को ससम्मान घर पहुंचाया। भारतीय रेल का नेटवर्क काफी बड़ा है, पर समय के साथ यात्री और मालगाड़ियों की लगातार बढ़ती संख्या से गति प्रभावित हुई है। इस जटिल समस्या के निदान हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजनरी लीडरशिप में रेलवे को आधुनिक व दक्ष बनाने के लिए लगातार कदम उठाए गए हैं। साथियों, बीते 6 साल से भारतीय रेल को नए भारत की आकांक्षाओं और आत्मनिर्भर भारत की अपेक्षाओं के अनुरूप ढालने का प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण पहल है फ्रेट कॉरिडोर्स का तेज गति से निर्माण। 81,000 करोड़ की लागत वाले विकास के 2 कॉरिडोर्स, वेस्टर्न एवं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 1,506 किलोमीटर लंबा है। वह जोड़ेगा JNPT मुंबई को दादरी उत्तर प्रदेश से। वहीं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 1,875 किलोमीटर लंबाई तय कर लुधियाना पंजाब को दानकुनी पश्चिम बंगाल से जोड़ेगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का काम जो सालों से सुस्त पड़ा था, उस पर 2014 के बाद पहले के मुकाबले अधिक पूंजी निवेश की गई है। इस निवेश से जहां एक ओर सालों से अटके ट्रैक लिंकिंग और विद्युतीकरण का काम तेजी से पूरा हुआ, वहीं दूसरी ओर दोनों कॉरिडोर्स का निर्माण उच्च तकनीक, गुणवत्ता और सटीक प्लानिंग से हो रहा है। इसीलिए आज पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में न्यू भाऊपुर से न्यू खुर्जा तक 351 किलोमीटर का ट्रैक संचालन हेतु पूर्णतः तैयार है और साथ ही तैयार है दुनिया के सबसे बड़े एवं सर्वोत्तम कंट्रोल सेंटर्स में से एक, प्रयागराज का अत्याधुनिक तकनीक से लैस ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर। इन दोनों कॉरिडोर्स के निर्माण से माल ढुलाई की लागत में कमी आएगी, कृषि और प्राथमिक क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे, सड़क मार्ग सुगम और रेल फाटक रहित होंगे, ज्यादा माल ढोने वाली मालगाड़ियों की संख्या बढ़ेगी और नए शक्तिशाली रेल इंजन और लंबी गाड़ियों से अतिरिक्त क्षमता का सृजन होगा। नमस्कार, DDUP में आपका स्वागत है। चर्चा में कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूं मैं रामेंद्र सिंह। आज हम बात कर रहे हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, जो न्यू खुर्जा से न्यू भाऊपुर कानपुर तक जोड़ेगा। ये लगभग 351 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें मालगाड़ियां अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक उनका ट्रैक होगा जिस पर वो चलेंगी। इसकी तमाम संभावनाएं हैं, अपार संभावनाओं से। अभी हम बात कर रहे थे हमारे साथ जो मेहमान है कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट है रेलवे का, और इसके चलने से जो मालभाड़ा की समस्या है, जो लोकल सामान आने जाने की समस्या है, समय से ना पहुंचने की समस्या है, वो रेलवे दूर कर देगा। आज का दिन भारतीय रेल के गौरवशाली अतीत को 21वीं सदी की नई पहचान देने वाला है। भारत और भारतीय रेल का सामर्थ्य बढ़ाने वाला है। आज आजादी के बाद का सबसे बड़ा और आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट धरातल पर उतरते हम देख रहे हैं। साथियों, आज जब खुर्जा भाऊपुर फ्रेट कॉरिडोर रूट पर जब पहली मालगाड़ी दौड़ी, तो उसमें नए भारत की, आत्मनिर्भर भारत की गुंज और गर्जना स्पष्ट सुनाई दी। नए भारत के नए सामर्थ्य का प्रतीक है ये। दुनिया के बेहतरीन और
आधुनिक कंट्रोल सेंटर में से एक है और ये सुनकर किसी को भी गर्व होगा कि इसमें मैनेजमेंट और डेटा से जुड़ी जो टेक्नोलॉजी है वो भारत में ही तैयार की गई है, भारतीयों ने ही उसको तैयार किया है। साथियों, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इनको अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें तो मालगाड़ियों के लिए बने विशेष ट्रैक हैं, विशेष व्यवस्थाएं हैं। इनकी जरूरत आखिर देश को क्यों पड़ी? हमारे खेत हो, उद्योग हो या फिर बाजार, ये सब माल ढुलाई पर निर्भर होते हैं। कहीं कोई फसल उगती है, उसको देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना पड़ता है, एक्सपोर्ट के लिए बंदरगाहों तक पहुंचाना पड़ता है। उसी तरह उद्योगों के लिए कहीं से कच्चा माल समंदर के रास्ते से आता है, उद्योग से बना माल बाजार तक पहुंचाना होता है, या फिर एक्सपोर्ट के लिए उसको फिर बंदरगाहों तक पहुंचाना पड़ता है। इस काम में सबसे बड़ा माध्यम हमेशा से ही रेलवे रही है। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, अर्थव्यवस्था बढ़ी, तो माल ढुलाई के इस नेटवर्क पर दबाव भी बहुत बढ़ता गया। समस्या ये थी कि हमारे यहां यात्रियों की ट्रेनें और मालगाड़ियां दोनों एक ही पटरी पर चलती हैं। मालगाड़ी की गति धीमी होती है, ऐसे में मालगाड़ियों को रास्ता देने के लिए यात्री ट्रेनों को स्टेशन पर रोका जाता है। इसका सीधा असर हमारे खेती, खनिज उत्पाद और औद्योगिक उत्पादकों की कीमत पर पड़ता है। महंगे होने के कारण वो देश और विदेश के बाजारों में होने वाली स्पर्धा में टिक नहीं पाते हैं, हार जाते हैं। भाई और बहनों, इसी स्थिति को बदलने के लिए फ्रेट कॉरिडोर की योजना बनाई गई। और ये जो पूरा कॉरिडोर है, ये लुधियाना से दानकुनी कलकत्ता तक लगभग जाएगा, तो इधर पूरब से, इधर उत्तर से शुरू होकर के और पूरब तक का जो हिस्सा है वो जुड़ेगा, कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण होगा। हमारे साथ दो मेहमान हैं, के श्रीवास्तव जी हैं, रिटायर्ड मेंबर ट्रैफिक हैं रेलवे बोर्ड के, और प्रेम शंकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। श्रीवास्तव जी, शुरुआत आपसे करेंगे, चूंकि रेलवे ट्रैफिक का आपने तमाम लंबा समय काम किया है। जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जिसकी संभावनाओं की बात अभी हम लोग कर रहे हैं कि बड़ी संभावनाएं हैं, रेलवे भी उसको बड़ी संभावनाओं की तरह देख रहा है, मालगाड़ियों के संचालन में क्या सुविधा मिलेगी जो अभी तक नहीं मिल पा रही थी? देखिए, अभी उसी लाइन पे, उसी रूट पे मालगाड़ी भी चल रही है, उसी पे पैसेंजर ट्रेन भी चल रही है, उसी पे राजधानी भी चल रही है जी, तो कंजेशन हो जाता है, कैपेसिटी बहुत ओवरफ्लो कर रही है। और मालगाड़ी को लास्ट प्रायोरिटी मिलती है क्योंकि पैसेंजर ट्रेन को अपने टाइम से चलना है, उनका तो टाइमिंग सेट है, राजधानी को आगे जाना है, तो मालगाड़ियों की स्पीड बहुत स्लो हो जा रही है जी। अभी वर्तमान में भारतीय रेलवे पे इसकी स्पीड करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की आती है, 20-22 किलोमीटर चलती है, और हम ये एश्योर नहीं कर पाते हैं कस्टमर को माल आपका कब पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा। उसके लिए सोचा गया कि अलग रास्ता बना दिया जाए मालगाड़ी के लिए, जिससे मालगाड़ियां चलेंगी और जो अभी वर्तमान कॉरिडोर है उसमें पैसेंजर ट्रेन चलेंगी, दोनों को सहूलियत हो जाएगी, मालगाड़ी अपने रास्ते जाएगी, हाई स्पीड अचीव हो जाएगी, उस पर हम एश्योर कर पाएंगे कस्टमर को माल कब पहुंचेगा आपका, उसको भी सुविधा हो जाएगी, इंडस्ट्री को फायदा होगा और जो पैसेंजर ट्रेन में यात्री को फायदा हो जाएगा, उसका व्यवधान खत्म हो जाएगा, रास्ता मिलेगा नहीं इंटरप्टेड, ये दोनों के लिए फायदे की बात है। बिल्कुल, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद श्रीवास्तव जी के पास आएंगे और कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तुम्हारे पापा ने मना कर दिया तो? इतना थोड़ी ना है मेरे पापा, एक दो घंटे बैठा के तुम्हारा टेस्ट लेंगे फिर हाँ बोल देंगे। टेस्ट? कैसा टेस्ट? हाँ तो यंग मैन, क्या नाम बताया? रवि कुमार। जो भी है, कहाँ तक पढ़े हो जी? मैं क्या करते हो आजकल? तुम ड्रग्स तो नहीं करते? नहीं। वैसे तुम्हारा एचआईवी स्टेटस क्या है? हाँ जी बोलो।
HIV के लक्षण दिखने में कई साल लग सकते हैं। अगर आपने कभी भी असुरक्षित यौन संबंध रखा हो या संक्रमित सुई का इस्तेमाल किया हो तो नजदीकी ICTC क्लिनिक में HIV की जांच जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाओ, लाइफ का असली इम्तिहान। भैया मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया। वाओ, दैट्स ग्रेट। अब आप जल्दी से आ जाओ, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है फीस के लिए। समझो, मैं आ गया। एक मिनट। कैसे भैया? डोरस्टेप बैंकिंग से। बस कॉल करें या वेबसाइट पर लॉगिन करें या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और PSB डोरस्टेप बैंकिंग द्वारा सरकारी बैंक आएंगे आपके द्वार। तुम्हारे पापा ने मना कर दिया तो? हिटलर थोड़ी ना है मेरे पापा। एक दो घंटे बैठा कर तुम्हारा टेस्ट लेंगे, फिर हाँ बोल देंगे। टेस्ट? कैसा टेस्ट? हाँ तो यंग मैन, क्या नाम बताया? रवि कुमार। जो भी है, कहाँ तक पढ़े हो? जी मैं क्या करते हो आजकल? तुम ड्रग्स तो नहीं करते? नहीं। वैसे तुम्हारा HIV स्टेटस क्या है? हाँ जी बोलो। HIV के लक्षण दिखने में कई साल लग सकते हैं। अगर आपने कभी भी असुरक्षित यौन संबंध रखा हो या संक्रमित सुई का इस्तेमाल किया हो तो नजदीकी ICTC क्लिनिक में HIV की जांच जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाओ, लाइफ का असली इम्तिहान। ये श्रीवास्तव जी ने रेल संचालन के लिहाज से बताया कि दोनों के लिए फायदे की बात है। प्रेम शंकर जी, हम आपके पास स्थानीय बाजार और स्थानीय चीजों के लिहाज से इस कॉरिडोर की बात करेंगे कि जो थोड़ी थोड़ी दूर पर स्टेशन बनाए जा रहे हैं, एक दूरी के बाद स्टेशन बनाएंगे जहां से माल उतरेगा या चढ़ेगा, इसका जो स्थानीय बाजार है उसको क्या फ़ायदा होगा? अगर उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से से गुजर रही है इसका उत्तर प्रदेश को क्या फ़ायदा मिलेगा, दूसरे प्रदेशों में इसका क्या फ़ायदा होगा जब ये पूरी बन जाएगी? देखिए, जो रेल की परिकल्पना की गई थी जब शुरुआती दौर में, तो वस्तुतः ये माल ढुलाई का ही सबसे बड़ा साधन था जी। बाद में ये यात्रियों की सुविधाओं से जुड़ा और परिवहन, यात्री परिवहन मुख्य हो गया। लेकिन आज भी अगर आप पूरे देश में जो माल ढुलाई की स्थिति को देखें तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, तमाम सड़क ट्रांसपोर्ट के बाद भी इसका बड़ा हिस्सा रेलवे पर निर्भर है। लेकिन जिसकी ओर अभी श्रीवास्तव जी ने इशारा किया कि वो सबसे अंतिम प्राथमिकता होती है, क्योंकि जो विशेष ट्रेनें हैं उनका संचालन समय से होना होता है, पैसेंजर ट्रेनों का संचालन समय से होता है, क्योंकि सीधे यात्री सुविधा से जुड़ा होता है जी। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत बार जो माल है, बहुत बार कच्चे माल की भी सप्लाई होती है, उनकी होती है ढुलाई होती है, ये सब बाधित होती है और जिसके कारण उसका पूरा प्रभाव उद्योग कारोबार से लेके उस व्यापारी की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है और कहीं ना कहीं रेलवे के कमिटमेंट पर भी पड़ता है, क्योंकि जिसकी ओर इन्होंने इशारा किया कि ये एश्योर नहीं कर पाते कि आपका माल कब पहुंच पाएगा। तो उसी कड़ी में मोदी सरकार ने दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम किया। एक तरफ जो यात्री परिवहन है उसको सुचारू बनाने के लिए, तीव्र बनाने के लिए, समय अनुकूल बनाने के लिए काम चल रहा है। दूसरी तरफ यात्री परिवहन से ही उतना ही जुड़ा हिस्सा माल ढुलाई का है, उद्योग का है, औद्योगिक परिवहन का है जी। उसको प्रभावी बनाने के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर की एक परिकल्पना की गई जी। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जो पंजाब के लुधियाना से शुरू होकर आपके बंगाल के, पश्चिम बंगाल के दानापुरी तक का हिस्सा है, करीब 1500 किलोमीटर से अधिक का हिस्सा है। इसमें इसका जो पहला सेक्शन है, एक सेक्शन है न्यू भावपुर से न्यू खुर्जा सेक्शन 351 किलोमीटर का, जिसका कल प्रधानमंत्री जिसके एक वर्चुअल शुभारंभ कर रहे हैं, प्रयागराज के कंट्रोल रूम का भी उसमें हिस्सा जुड़ा हुआ है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये जो करीब 5,5750 करोड़ की लागत का ये जो कॉरिडोर है, ये उत्तर प्रदेश का जो एरिया जोड़ रहा है, ये वो एरिया जोड़ रहा है जो हमारे लिए उद्योग और स्थानीय उद्योग के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे आप बात कर लीजिए कानपुर देहात का जो पुखरवाया क्षेत्र है वो एल्युमिनियम उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, औरैया है डेयरी उद्योग के लिए है, आपका इटावा है वहां पे कपड़ा उत्पादन ब्लॉक प्रिंटिंग के काम होते हैं, आपका फिरोजाबाद है कांच के हैं, आपका बुलंदशहर है जहां पॉटरी के काम होते हैं, बर्तन के काम होते हैं, हाथरस है जहां पे हींग उत्पादन और उससे जुड़े काम होते हैं, आपका अलीगढ़ है ताले हार्डवेयर के काम है। तो ये सारी चीजें माल ढुलाई जिसमें कच्चा माल भी जुड़ा हुआ है और तैयार माल जुड़ा हुआ है उनसे जुड़े हुए हैं। तो इनके लिए एक जब डेडिकेटेड कॉरिडोर हो जाएगा तो माल या जो भी उत्पादन है जो उनके, वो आसानी से गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। अच्छी बात यह है कि इसमें 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर पे जो छोटे स्टेशन बन रहे हैं उससे जो है इसकी कनेक्टिविटी, स्थानीय कनेक्टिविटी और बेहतर हो सकेगी और वो
माल वहां उतार भी सकेंगे, चढ़ा भी सकेंगे। तो ये इस दिशा में एक बड़ा कदम होगा। और रेलवे हमेशा सड़क परिवहन की अपेक्षा 40-50% सस्ता होता है, तो दोनों तौर पर फायदा मिलेगा। देखिए, जो पूरा ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना है, लुधियाना से दानकुनी तक बनेगा रेल ट्रैक, और इसकी लगभग 1875 किलोमीटर की दूरी हो सकती है। न्यू खुर्जा से न्यू भावपुर कॉरिडोर जो है वो कल पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुभारंभ करेंगे। इसकी जो दूरी है वो 351 किलोमीटर की है, जिस पर मालगाड़ियां चलेंगी। प्रयागराज में एशिया का बड़ा कंट्रोल रूम बन रहा है, जहां से ये संचालित की जाएंगी। ये जो पूरा कॉरिडोर है इसमें जो गाड़ियां चलेंगी संचालित किया जाएगा। प्रदेश के विकास में भारतीय रेल की भूमिका ये सर्वविदित है। बड़े रेल नेटवर्क के साथ ही उत्तर प्रदेश भारतीय रेल के परिचालन में अपना एक विशिष्ट स्थान भी रखता है। चार क्षेत्रीय रेलों द्वारा सेवित हमारे प्रदेश में रायबरेली स्थित मॉडर्न कोच फैक्ट्री एवं वाराणसी स्थित डीजल लोकोमोटिव वर्क्स प्रोडक्शन यूनिट्स है। उत्तर प्रदेश में आवागमन के त्वरित साधन की दृष्टि से भारतीय रेल का जो महत्वपूर्ण योगदान है, हमारे लिए आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जो पहले खंड का न्यू खुर्जा न्यू भावपुर आज राष्ट्र को समर्पित होने वाला है। यह प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पहले जो मालगाड़ियों की औसत गति मात्र 25 किलोमीटर प्रति घंटे थी, वह बढ़कर के 75 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से प्रदेश के माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने की एक नई गति, और उत्तर प्रदेश के न केवल खाद्यान्न को अपितु यहां औद्योगिक विकास की दृष्टि से एक नया माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने में हमें प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश जैसे लैंडलॉक्ड राज्य के लिए इस फ्रेट कॉरिडोर के महत्व को हम सभी इसके महत्व को समझ सकते हैं, और ये हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 75% जो भाग है वह उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन भी है, जो प्रदेश स्थित औद्योगिक इकाइयों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा, तथा लॉजिस्टिक क्षेत्र में भी हमें नए अवसर सृजित करने का एक हमें अवसर प्रदान कर रहे हैं। फ्रेट कॉरिडोर का आज का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। विगत 11 वर्षों से चली इस परियोजना में जो गति पिछले 5-6 वर्षों के अंदर आई, यह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है, और इस गति के कारण ही न केवल यह फ्रेट कॉरिडोर अपने समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ेगा, बल्कि इसका लाभ देश के एक बड़े भूभाग को प्राप्त होगा। ये स्थानीय बाजार के लिए भी बहुत उपयोगी कॉरिडोर है, इसलिए कि आपका सामान जो कलकत्ता जाना है या लुधियाना जाना है, उसके लिए जो छोटे छोटे स्टेशन बनेंगे, इससे आपका सामान चढ़ जाएगा और वहां से आने वाला सामान उतर जाएगा, तो स्थानीय बाजार को भी प्रमोट करेगा, ये इसकी संभावनाएं दिख रही हैं। एक बात श्रीवास्तव जी हो रही, कुछ ऐसी बात जैसे कच्चे माल की बात कर रहे थे प्रेम जी, कुछ ऐसी चीजें जिनको समयबद्धता से पहुंचाना है, जैसे हरी सब्जी है, फल हैं, कुछ और चीजें हैं कि अंडा है, इस तरह की चीजें हैं कि जिनको समयबद्धता, गर्मी में आपको समयबद्धता के साथ पहुंचाना पड़ेगा, उसमें ये कितनी सहायक होगी कॉरिडोर? बहुत सहायक होगी, इसे मैंने पहले बताया कि स्पीड बढ़ जाएगी, 60-70 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ियां चल सकती है, एवरेज स्पीड 100 तक का पोटेंशियल है उस पे, तो माल जल्दी पहुंचेगा। तो जो पेरिशेबल आइटम है, खराब होने वाली चीजें हैं खाने पीने की,
उनमें भी लाभ होगा। अभी वो पार्सल से चलती है वो चीजें, अभी पार्सल से ट्रेन में लोड होके जाती है। उसमें क्या महंगा पड़ता है? हाँ, थोड़ा महंगा पड़ता है, थोड़ा महंगा, जल्दी पहुंचाते हैं, टाइम से पहुंचाते हैं, पैसेंजर ट्रेन से जाता है। लेकिन उसकी एक सीमा होगी, कैपेसिटी है उसके अंदर, लिमिटेड है। एक ट्रेन में एक ही डब्बा लगता है, दो डब्बे रखते हैं जिसमें माल ढो सकते हैं। लिमिटेशन उसकी भी होती है और थोड़ा महंगा भी होता है मालगाड़ी के प्रभाव से। तो वो मालगाड़ी पे चला जाएगा, लोड हो सकता है, क्वांटिटी मिलेगी तो वहाँ लोड हो सकता है। बिल्कुल, ये जो छोटे छोटे कच्चे माल हैं जिनको तुरंत पहुंचाना होता, नहीं खराब हो जाएंगे, उनके लिए भी ये फायदेमंद है। चूंकि अभी तक यात्री गाड़ियों के साथ एक डिब्बे में जाता है, जिसकी बात श्रीवास्तव जी कर रहे थे, तो इसको भी फायदा मिलेगा आने वाले समय में। एक बड़ी समस्या रहती थी, हम लोग कहते थे भाई ट्रेन चल तो रही है, पहुंचाएगी कब? तो ये जो समस्या यात्रियों की है, ये एक भरोसा यात्रियों को भी लौटेगा प्रेम जी, जो यात्री गाड़ियां हैं उन पर कि नहीं समय से चलेंगी, समय से पहुंचाएंगी? अब ये दिक्कत तो नहीं होगी मालगाड़ियों से, तो व्यवधानित ये ट्रैक नहीं होगा। निश्चित तौर पे इसका असर पड़ेगा। आप ये सोचिए कि जो रेलवे का परिचालन है, अगर आंकड़ों में बात करेंगे तो इस पे श्रीवास्तव जी ज्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन हम मोटी मोटा तौर पे अगर देखें तो रेलवे के पूरे परिचालन में माल का के लिए ढुलाई के लिए पूरी एक अलग व्यवस्था होगी, मालगाड़ियों के लिए अलग व्यवस्था होगी, तो निश्चित तौर पर उसका पूरा असर जो है, जो यात्री परिचालन है उस पर बहुत बड़े पैमाने पर पड़ेगा। लगातार देखिए पटरियों की स्थिति सुधर रही है, डबल ट्रैक बनाए जा रहे हैं, इसीलिए ये कवायद शुरू की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्दी से और जो सुनिश्चित समय है उनकी ओर पहुंचाया जा सके। आप जिस तरह से सड़क परिवहन को सुधारा जा रहा है, हाईवेज और एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही, उससे वैसे भी धीरे धीरे लोगों की डिपेंडेंसी घट रही है, लेकिन आज भी एक बड़ा हिस्सा है हमारी आबादी का जिसके लिए रेलवे ही एकमात्र साधन है परिवहन का। और किसी भी यात्री का पूरा अधिकार है कि अगर वो टिकट ले रहा है और वो ट्रेन में बैठ रहा है तो उसको समय से सुविधाओं के साथ पहुंचना चाहिए, तो उस कवायद में ये काफी फायदेमंद साबित होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो डेडिकेटेड कॉरिडोर बन रहा है, इस पे बीच बीच में कहीं भी क्रॉसिंग बनाए जाने का प्रावधान नहीं है। जहां भी क्रॉसिंग की स्थिति आ रही है वहां पे या तो ये अंडरपास या ओवरपास बना रहे हैं, ओवरब्रिज बना रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एक तो जो दुर्घटनाओं का संकट है वो भी नहीं होगा, और दूसरा विभिन्न क्रॉसिंगों के नाते डिलेड जो सामान्य नागरिकों को दिक्कतें होती वो भी नहीं होगी, और ट्रेन के परिवहन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद श्रीवास्तव जी के पास आएंगे और कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तुम्हारे पापा ने मना कर दिया तो? हिटलर थोड़ी ना है मेरे पापा, एक दो घंटे बैठा कर तुम्हारा टेस्ट लेंगे फिर हाँ बोल देंगे। टेस्ट? कैसा टेस्ट? हाँ तो यंग मैन, क्या नाम बताया? रवि कुमार। जो भी है, कहाँ तक पढ़े हो? जी मैं क्या करते हो आजकल? तुम रग तो नहीं करते? नहीं। तुम्हारा HIV स्टेटस क्या है? हाँ जी बोलो। HIV के लक्षण दिखने में कई साल लग सकते हैं। अगर आपने कभी भी असुरक्षित यौन संबंध रखा हो या संक्रमित सुई का इस्तेमाल किया हो तो नजदीकी ICTC क्लिनिक में HIV की जांच जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाओ, लाइफ का असली इम्तिहान। श्रीवास्तव जी, एक बात कही जा रही है कि ये जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है कि ज्यादा मजबूत है, यानी डबल डेकर मालगाड़ियां चल सकती हैं, तो क्या माल भाड़ा भी सस्ता होगा आने वाले समय में, उसमें कमी आएगी? नहीं, डबल डेकर में भार का सवाल नहीं आता, भार तो डबल डेकर का भी जो ट्रैक है उसमें भी लिया जा सकता है, ट्रैक स्ट्रक्चर है, लेकिन डबल डेकर की हाइट बढ़ जाती है जी, तो बाधा आती है रास्ते में स्ट्रक्चर की, कहीं ब्रिज है कहीं कुछ है, वहां पास करने में दिक्कत होती है जी, इसलिए डबल डेकर नहीं चल पाता है हर रूट पे। जो नया फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है उस पर हर रूट पे चल सकेगा, उसकी व्यवस्था उसमें की गई है। और जब डबल डेकर चलेगा, एक गाड़ी में माल ज्यादा आएगा तो सस्ता भी पड़ जाएगा पर टन रेट, दोनों बातें हैं, ज्यादा माल जाएगा एक साथ और सस्ता भी पड़ेगा। बिल्कुल, ये जो डबल डेकर चलेगा तो माल भाड़ा सस्ता होगा और उसका फायदा व्यापारियों को, व्यापार को मिलेगा। कहा जा रहा है कि इससे 1% GDP बढ़ सकती है देश की, ये कहा जा रहा है। मिश्रा जी, कृषि और कोयले के लिहाज से देखिए, जो पूरा कॉरिडोर है, जो लिंक होता है, तो कोयला और तमाम और सामान है जो वहाँ से आता है, तो अगर देख लीजिए कि अरुणाचल और उधर असम और पूरे हिस्से को और इधर से कश्मीर तक को जोड़ता हुआ, तो क्या फायदे इसको कृषि और कोयला ढुलाई पे मिलता दिख रहा है? देखिए आप, ये जो पूरा बेल्ट है, अगर हम ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर की बात करें
तो उसमें हरियाणा, यूपी, पंजाब, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये जो राज्य जुड़ रहे हैं तो इसमें अधिकांशतः कृषि आधारित हैं, या तो फिर झारखंड जैसे राज्य हैं जो खनन आधारित हैं, जिनके लिए कोयला और अन्य खनन सामग्रियां जो है जो उनकी इकोनॉमी का बड़ा स्रोत है, बड़ा हिस्सा है। तो एक तो निश्चित तौर पे उसके ढुलाई पे बड़ा अंतर आएगा। आपने अभी कृषि की बात की, हम लोग लगातार कच्चे माल की बात कर रहे थे, अंडे, फल, सब्जियों की बात कर रहे थे। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। आज ही प्रधानमंत्री ने जो है सभी किसान रेल को हरी झंडी दिखाई थी, बजट में इसकी घोषणा हुई थी और अगस्त में ये कवायद शुरू हुई। अब सोचिए कि जो 100 किसान रेल चली, हालांकि वो सामान्य पथ पे चली, लेकिन ये बिल एक तरह से स्टोरेज रेल थी, ऐसी थी कच्चे मालों की ढुलाई का। अब उस एक प्रक्रिया से काफी फर्क पड़ा। लॉकडाउन में जब काफी हद तक, या कोरोना के कारण जब रूट प्रभावित थे, उस तरह से माल का भंडारण, ढुलाई नहीं चल रही थी, तो उस पर एक अकेले एक किसान रेल की कवायद से काफी फर्क पड़ा किसानों को। एक तो 50% उनको सब्सिडी मिल रही थी, सस्ते में उनके माल की ढुलाई हुई, उसमें माल उतारा जा सकता था, चढ़ाया जा सकता था। अब अगर इसी प्रक्रिया को अगर आप विस्तार दे रहे हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से, आपने अभी इशारा किया कि आज 20 से 22 एवरेज स्पीड है मालगाड़ी की, जो 50-60 होंगी और सामान्यतः 100 की चलती चल सकेंगी। हम अगर 50 को भी औसत मानते हैं तो इसका सीधा सीधा मामला यह है कि जो यात्रा मालगाड़ी की 5 दिन में पूरी हो रही थी, वो यात्रा 2 दिन में पूरी हो रही। तो इससे जो कृषि आधारित उत्पाद है, और खासकर देखिए दो सेक्शन है कृषि में, एक तो आपका जो कैश क्रॉप है, आप गेहूं, धान और गन्ने की बात करते हैं, दूसरा छोटे स्तर पे किसान के क्या व्यापार का जो रोज का हिस्सा है, वो फल हैं, सब्जियां हैं, कुक्कुट पालन है, रोजगार भी जनरेट होगा कुछ, स्वाभाविक तौर पे होगा ना। कि अगर हमारे पास बाजार उपलब्ध है, मैं अगर कानपुर देहात के में बैठे व्यक्ति को अगर लुधियाना में एक बाजार एक दिन की मिल रहा है, केवल एक दिन की यात्रा पे मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो लुधियाना में जाके कंबल का काम करने के बजाय अपने खुर्जा में अपने घर पे बैठ के अपने खेत में काम करना चाहेगा, अपना उत्पादन करके वहां के बाजार तक पहुंचाना चाहेगा, तो उसका एक बड़ा असर पड़ेगा। अब इसी तरह आप देखिए वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर पे भी काम चल रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि वो भी जो सबसे व्यस्ततम रूट है, दिल्ली हावड़ा रूट है, उस पे काम चल रहा है। तो आप सोचिए कि जब दादरी से हावड़ा जुड़ेगा, नोएडा से हावड़ा जुड़ेगा, नोएडा उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रियल हब है, और उसके बीच के तमाम रास्तों को जोड़ रहा है, तो आप वहां जेयर एयरपोर्ट बन रहा है। अब आप सोचिए कि वेस्टर्न यूपी के किसानों के लिए ये फायदेमंद कितना बड़ा फायदा होगा उसे अपनी फसलों और उत्पादों को अपने पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पे एक बड़ी बात प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे, जैसे अभी उन्होंने किसानों से भी बात की कि आप एक जगह से दूसरी जगह सामान बेच सकते हो, तो ये सारा उस इकाई का हिस्सा दिख रहा है कि आप एक जगह से दूसरी जगह सामान बेच सकते हो, व्यवसाय बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे, और आपको सीधा कॉरिडोर मिलेगा जब समयबद्धता के साथ आप सामान पहुंचा सकोगे। आने वाले भविष्य में ये कॉरिडोर मील का पत्थर साबित होंगे। इसी के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत आभार, नमस्कार।